प्रकार से महाराज देव काले से हमारा घर में जा रहा था। जब उसकी बहन हेला दो अपनी सक्की सहेलियों के संग में कुआ के ऊपर नीर भर रही थी और कालिस देव हमारा घर में जा रहा था। जब एक बहन और भाई की बात हो रही थी, बहन कहवा लगी कालिस देव ने, जब कह रही थी कि हमारा देश क्यों हो गया, किसका भारिया पाप लग गया, तो उसने बताया कि भैंस गेरी थी बागड़ देश में, उसमें एक भैंसोटी गाय चली गई, उसके लुहारियों को दोष से आज मैं देश हमारा जा रहा हूं। तो बहन ने बहुत ना की, लेकिन कार्य संभाला जाता हुआ मना नहीं। उसने बताया किसके घर पावनी जाऊंगी और कौन बहन की लड़ियारी करने के लिए आएगा और मैं किसके भात लेकर जाऊंगी। तो कालिदेव ने बताया था कि ये बहना ला दो, ये राजोरी काली डांगन के अंदर गुरु शंकर का लगाया हुआ दूध या नीम है, उसको जाकर के तुम भात नूतोगी और उससे ही जाकर के आप अपना भात ले जाकर के नूत दोगी और वही भात तेरे भर देगा। इस प्रकार से दोनों भाण भाइयों की बात होती है। आगे हीरामन महाराज और कालस देव का दोनों का आगे और पीछे निवास होता है। एक दिन महाराज हीरामन का जो सर्पसु का गोठिया बैठा था और बैठा बैठा महाराज हीरामन का लाड लड़ा रहा था और महाराज के लिए एक हरियाली लगाई थी, हर की आमली लगा कर और एक ऐसे लाड चाव से बात कर रहा था, गाना गा रहा था गोठ गीत। तो किस प्रकार से गा रहा था, केड़े तो बाऊरे राजी Oh, yeah.
दे।